बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनाई हूँ कुट्टू के चावल का, और ये इतना हेल्दी है फ्रेंड्स कि आप इसे व्रत में बना के खाएं या आप ऐसे भी खा सकते हैं जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आइए इसे और भी टेस्टी कैसे बनाएं, चलिए इस खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अनीता और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए कुट्टू के चावल का। मैं जब बनाऊंगी खिचड़ी, ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। तो ये हमने ले लिए कुट्टू का चावल। फ्रेंड्स, ये कच्चे में देखने में तो बिल्कुल इस तरह लगते हैं दाने इसके, और इसे हम 2 घंटा के लिए भिंगो दिए थे। तो ये देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं, ये हाथ से ही ऐसे दबाने पर दब जा रहे हैं। तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रेंड्स भिंगो दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं, उसमें पानी आपको थोड़ा ज़्यादा डाल करके इसे बनाना होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। हमने ले लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको हमने कट कर लिए हैं छोटे पीसेस में, और हमने ले लिया है हरी मिर्च, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिए, और टमाटर हमने एक ले लिया जिसे बारीक कट कर लिए हैं, और ले लिए हम कड़ी लिप्स, और इसमें फ्रेश धनिया है, नींबू है। और चलिए इस मज़ेदार खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। पैन को गर्म कर लिया फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालते हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी, इससे ये बहुत ही टेस्टी आपकी खिचड़ी बनने वाली है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल में भी फ्रेंड्स बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी खिचड़ी। इसको हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून डाल लेंगे खड़ा जीरा, और इसमें डाल लेंगे मैं हरी मिर्च जिसे हम कट किए हैं, और इसमें हम डाल लेंगे करी लिप्स। तो इसे हमने पहले सारे धो लिए थे। जब फ्रेंड्स आप करी लिप्स डालें तो फ्लेम को लो कर लें, क्योंकि बहुत तेज छटकता है। अब यहीं डाल लेंगे फ्रेंड्स हम कटे हुए जो आलू हैं उन्हें हम डाल देंगे। इसके पानी को सारा हम निकाल के और इसको गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे अच्छे से। फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई कर लें। आलू को हमने भून लिया है, लाइट ब्राउन हो गए हैं, ये काफ़ी कुरकुरे हो गए हैं। अब यहीं हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर, और यहीं हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक। तो 1 टीस्पून हम इसमें सेंधा नमक मिला दे रहे हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इतने ये टेस्टी लगते हैं खिचड़ी, इसमें प्रोटीन और बहुत ज़्यादा, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और ये आपको व्रत हो तो खाएं, चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसको चटपटा और स्पाइसी और बनाने के लिए फ्रेंड्स इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दे रहे हैं। तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिए। तो इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिए हैं, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे।
और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम लीड से कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तीन मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं। और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और आलू को भी हम चेक कर लेते हैं कि पके हैं कि नहीं। आलू भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। अभी इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, तो बचे हुए जो आलू हैं जो थोड़े कच्चे हैं वो भी इसमें पक जाएंगे। अब यही हम डाल लेते हैं कुट्टूक का चावल और उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, ताकि ये भी सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतनी टेस्टी आपकी खिचड़ी बनके तैयार होगी और ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे व्रत में खाएं या आप ऐसे खाने का मन हो तो ऐसे भी बना के खाएं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं, इससे टेस्ट खिचड़ी का बहुत ही अच्छा आएगा। दो मिनट के लिए इसे हम भून लिए हैं कुट्टूक के चावल को आलू में अच्छे से। इससे क्या आता है कि खिचड़ी आपकी सौंधी सौंधी सी बनती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम यहाँ डाल देते हैं पानी, जो कि हमने कुट्टूक के चावल को भिंगवाए थे फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खिचड़ी सूखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 कप आप डाल दीजिए पानी, और अगर गीला पसंद करते हैं तो आप 2.5 गिलास डाल दीजिए, 2.5 कप पानी। और इसे हम बना रहे हैं, गीला ही बनाएंगे फ्रेंड्स, हमें गीला ही पसंद है। अब इसमें डाल लेते हैं फ्रेश धनिया, और इसको हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फटाफट हमारी खिचड़ी बनके टेस्टी तैयार हो जाएगी। अगर आप इसकी खिचड़ी बनाना फ्रेंड्स चाहते हैं कुट्टूक के चावल का, अगर आप भिंगोना भूल गए हैं या आपके पास समय नहीं है, तो आप ऐसे भी ड्राई भी बना सकते हैं। और जब खिचड़ी बनाते समय आप कुट्टूक के चावल में पानी ज़्यादा डाल दीजिए, यानी दुगना। अगर इसमें हम 2.5 कप डाले हैं तो आप इसमें 5 कप पानी डालिए, और सेम प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके जो भी खिचड़ी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। पाँच मिनट फ्रेंड्स हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी खिचड़ी बनके तैयार हुई है कि नहीं। देखिए काफ़ी है, ड्राई हो चुके हैं। अब इसके हम आलू को चेक कर लेते हैं, आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, और हमारी ये खिचड़ी टेस्टी बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसे फटाफट हम सर्व करते हैं, और गैस को करती हूँ ऑफ, गैस को ऑफ कर दी हूँ। अब यहीं हम डाल देते हैं और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच नींबू का जूस, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं फ्रेंड्स। हमारी बन गई है गर्मा गर्म खिचड़ी, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको खिचड़ी बनाने में फ्रेंड्स कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम धनिया से कर देते हैं गार्निश, और इसमें थोड़ा सा खट्टा थोड़ा तीखा अगर आप खाएंगे चटपटा, तो बहुत ही टेस्टी आपकी ये खिचड़ी बन के फ्रेंड्स तैयार होगी। कुछ ट्रिक के साथ इसे बनाएं, ये बहुत ही हेल्दी भी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि हमारी खिचड़ी की रेसिपी आई हो आपको पसंद, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन है इजीली आपको मिलते रहें। फिर मिलती हूँ मैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।